76वें स्वतंत्रता दिवस की सभी ग्रामवासियों व देशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं एवं बधाई। निवेदक रजत कुमार, ग्राम विकास अधिकारी आदर्श द्विवेदी, ग्राम प्रधान सिसाइया गोसाई, विकास क्षेत्र समरेर, बदायूं। 75वें स्वतंत्रता दिवस की सभी ग्रामवासियों व देशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं एवं बधाई। निवेदक रजत कुमार, ग्राम विकास अधिकारी भगवान दास, ग्राम प्रधान गड़ा विकास क्षेत्र समरेर, बदायूं। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया और आपके साथ मैं हूं काजोल नारायण। शुरुआत करेंगे खबरों की। स्वतंत्रता दिवस के मौके पर विद्या मंदिर इंटर कॉलेज की ओर से क्षेत्र में भव्य पथ संचलन और शहीदों की झांकियां निकाली गईं। इस दौरान छात्रों ने वंदे मातरम के नारे लगाए, तिरंगा हाथ में लहराते हुए लोगों से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की खास मुहिम हर घर तिरंगा, घर घर तिरंगा को सफल बनाने की अपील भी की गई है। वही इस मौके पर मुख्य अतिथि के रूप में उत्तराखंड के कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल भी पहुंचे। पौड़ी जिले के चौबट्टा खाल विधानसभा के सतपुरी तहसील के अंतर्गत राजस्व क्षेत्र के गांव में युवती से दुराचार करने वाले आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस के अनुसार दोनों एक ही गांव के रहने वाले हैं और अलग अलग जाति से ताल्लुक रखते हैं। मामले में परिजनों की तहरीर पर राजस्व पुलिस के दुराचार और SC ST सहित अन्य धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया है। राजस्व पुलिस के काम नहीं करने के कारण ये मुकदमा DM के आदेश पर रेगुलर पुलिस को ट्रांसफर किया गया था। मामला ग्राम गुल्ली और थाना सतपुली राजस्व क्षेत्र का मामला है, जो दिनांक 28/7/2022 को मुकदमा पंजीकृत हुआ है, जिसमें अपराध संख्या 1/2022, धारा 374/506 और SC ST एक्ट के अंदर मुकदमा दर्ज हुआ है। एक युवती, दोनों एक ही गांव के थे और उसने युवती से बलात्कार करके उसके पेट में 7 माह का बच्चा है, और जब बाद में उसके घर वालों ने इसमें आपत्ति दिखाई कि हम कैसे इस लड़की को जो है रखेंगे, इसके घर में गए, इन्होंने शादी करने से मना कर दिया, और इसमें इन्होंने ये घर से खुद फरार हो गए और 3 तारीख को ये फरार हुए और हमने इनको जो है आज जो है कोटद्वार से जो है। जहाँ एक तरफ आजादी की 75वीं वर्षगांठ को आजादी के अमृत महोत्सव के रूप में देश मना रहा है और सभी राजनीतिक दल तिरंगा यात्रा निकालकर हर घर तिरंगा अभियान के तहत देशवासियों को जागरूक कर रहे हैं, तो वहीं स्वास्थ्य विभाग भी पीछे नहीं है। लक्सर में स्वास्थ्य विभाग द्वारा डॉक्टर अनिल वर्मा, चिकित्सा अधिकारी के नेतृत्व में आशा वर्कर सहित सभी कर्मचारियों ने नगर में तिरंगा यात्रा निकाली और हर घर तिरंगा अभियान की शुरुआत की। साथ ही नगर वासियों से अपने घरों में तिरंगा लगाने की अपील की है। वर्ष में महोत्सव ये उत्सव मनाया जा रहा है और हमारे विभाग द्वारा भी हम लोगों को अपने उच्च अधिकारी द्वारा निर्देश मिला कि आप रैली निकालें। हमने आशा ANM और पूरे स्वास्थ्य विभाग के द्वारा एक रैली निकाली है, जो तिरंगा झंडा की हर घर घर में ये खुशी की लहर, जो हर घर तिरंगा का जो नारा दिया है हमारे माननीय मोदी जी ने, तो इससे संदेश जाता है कि जो हमारे महापुरुष है उनकी याद में हम लोगों ने आज एक खुशी की लहर और ये रैली निकाली। अभी अस्पताल से लेकर के हम सीधे सोसाइटी रोड पर जाएंगे। पौड़ी में खेल विभाग की ओर से आजादी की 75वीं वर्षगांठ को लेकर कंडोलिया थीम पार्क से देवप्रयाग रोड पेट्रोल पंप तक साइकिल रैली का आयोजन किया गया। साइकिल रैली को स्थानीय विधायक राजकुमार पौड़ी तथा जिलाधिकारी डॉक्टर विजय कुमार जोगदंडे ने हरी झंडी देकर रवाना किया। जिला खेल अधिकारी नई सर जानकारी देते हुए बताया कि साइकिल रैली के विजेताओं को खेल विभाग की ओर से पुरस्कृत भी किया गया है। जो है आजादी का अमृत महोत्सव के रूप में पूरे भारत में मनाया जा रहा है और सभी जगह जो है तरह तरह की रैलियां, जैसे तिरंगा यात्रा और सवेरे जो है प्रभात फेरियां निकल रही हैं, और सभी का एक ही मकसद है कि हम लोग तिरंगे की जो अपना गौरव है, उसका जो सम्मान है, उसका जो उसका मान सम्मान गौरव इसका है अपना, इसको हम प्रत्येक व्यक्ति तक पहुँचाएँ। जिन लोगों को जो हमारी नई पीढ़ियां हैं, कम से कम उनको भी जो है तिरंगे के बारे में मालूम होना चाहिए और तिरंगा क्या है उनको इसके बारे में जानना आवश्यक है। आजादी के 75वें जश्न में
संभल में उलेमाओं और मदरसे के बच्चे हाथों में तिरंगा लिए दिखाई दिए। मरकजी मदरसा अजलम उलूम ने लोगों से घरों पर तिरंगा फहराकर आज़ादी का जश्न मनाने की अपील की है। मरकजी मदरसा अजमल उल उलूम की तिरंगा यात्रा सदर इलाके की सड़कों पर निकली, जहां देश की आज़ादी और देशभक्ति के नारे लगाते मौलाना और मदरसे के बच्चे दिखाई दिए। मरकजी मदरसा के शिक्षक और मुफ्ती ए सिरसी मौलाना आलम रजा नूरी ने मरकज की अंग्रेजों से जंग की वीर गाथा के साथ देश की सभी कौमों द्वारा अंग्रेजों से लड़कर आज़ादी हासिल करने की यादों को ताज़ा किया। वो मदरसा है कि जिसने जंग आज़ादी में भी बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। जब हिंदुस्तान पे अंग्रेज़ों का शासन था, अंग्रेज़ों का खुल्लम खुल्ला आतंकवाद था, अंग्रेज़ों की दहशतगर्दी थी, अंग्रेज़ जुल्म ज़्यादती करते थे, तो लिहाजा हिंदुस्तान के हिंदू और मुसलमान सिख ईसाइयों ने मिलकर उनके खिलाफ बिगुल बजाया और आज़ादी का बिगुल बजाया। तो मरकजी मदरसा अहले सुन्नत अजमल उलूम ने अंग्रेज़ों के खिलाफ मतिये के जंग आज़ादी में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। तो आज फिर ज़रूरत पड़ी तो मदरसा अजमल उलूम के तत्वाधान में मदरसा अजमल उलूम की ज़ेर-ए-एहतमाम तिरंगा यात्रा मरकजी मदरसा अहले सुन्नत अजमल उलूम से शुरू होकर हरदोई में सोशल मीडिया पर ब्लड की जरूरत की खबर देखकर एक पुलिसकर्मी एक अनजान बच्चे को जिला अस्पताल ब्लड देने पहुंच गया। ये देखकर बच्चे के परिजन हैरान रह गए और बच्चे की जान बचाने वाले सिपाही का आभार जताया। सिपाही पिहानी कोतवाली क्षेत्र के जहानीखेड़ा चौकी पर तैनात है। मुझे सोशल मीडिया से जानकारी मिली कि एक लड़के को जो है उसका ब्लड कम है तो उसको एक यूनिट की जरूरत है। तो जैसे मुझे जानकारी मिली तो मैं एकदम CHC में पता किया, यहाँ पे जिला अस्पताल पता करने के बाद में जैसे मुझे जानकारी हुई तो भैया ने कहा कि हाँ भैया ब्लड डोनेट के लिए अगर आप आए तो आ जाइए। तो मैं बताया कि मैं भैया जानीखेड़ा चौकी का पोस्ट हूँ थाना पिहानी, तो मैं थाना कोतवाल साहब का अवगत करा के उसके बाद में तुरंत ही यहाँ के लिए अपना आया हूँ और बच्चे के लिए ब्लड डोनेट किया है। क्या नाम है भैया? नितिन तोमर। आज़ादी का अमृत महोत्सव 15 अगस्त 2022 के उपलक्ष्य में तिरंगा मैराथन की प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। कलेक्ट्रेट परिसर से प्रतियोगिता में जिलाधिकारी और जनपद स्तरीय अधिकारियों द्वारा प्रतिभाग किया गया। तिरंगा मैराथन यात्रा कलेक्ट्रेट परिसर से शुरू होकर शहर के नकदाना चौराहा गोहनिया चौराहा होते हुए गांधी स्टेडियम पहुंची। प्रतियोगिताओं का गांधी स्टेडियम में समापन किया गया। जनमानस में देश प्रेम की भावना जगाने और हर घर तिरंगा फहराने को लेकर यहाँ पर जागरूक भी किया गया है। और यहाँ रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे। 75वें स्वतंत्रता दिवस की सभी ग्रामवासियों व देशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं एवं बधाई। निवेदक मुनीश शाक्य, ग्राम विकास अधिकारी। आदित्य सिंह, ग्राम प्रधान मझारा, विकास क्षेत्र समरेर, बदायूं। 75वें स्वतंत्रता दिवस की सभी ग्रामवासियों व देशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं एवं बधाई। निवेदक मनोज दुबे, ग्राम विकास अधिकारी। राम खिलाड़ी, ग्राम प्रधान मानकापुर कौर, विकास क्षेत्र समरेर, बदायूं। 75वें स्वतंत्रता दिवस की सभी ग्रामवासियों व देशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं एवं बधाई। निवेदक रजत कुमार, ग्राम विकास अधिकारी मेवाराम, ग्राम प्रधान कैल्याही, विकास क्षेत्र समरेर, बदायूं। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का बहुत स्वागत है। रुक करेंगे खबरों का। बस्ती जिले में अमृत महोत्सव को लेकर हर घर तिरंगा अभियान जनपद भर में बड़े पैमाने पर चल रहा है। प्रशासन जोर शोर से तमाम कार्यक्रम कर आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहा है, तो वहीं स्थानीय लोग भी बढ़ चढ़कर इस कार्यक्रम में हिस्सा ले रहे हैं। हरैया नगर पंचायत में नंदलाल गुप्ता ने भी हजारों नगरवासियों के साथ तिरंगा यात्रा निकालकर नगरवासियों में देश प्रेम का संदेश दिया और कहा कि सभी देशवासियों में देश प्रेम, भाईचारा, सौहार्द जागृत करना है और सभी अपने अपने घरों पर तिरंगा जरूर लगाएं। वहीं जिला प्रशासन ने जिलाधिकारी के नेतृत्व में अमृत महोत्सव कार्यक्रम मिशन शक्ति कार्यक्रम में आशा, आंगनबाड़ी कार्यकर्ती, महिला स्व सहायता समूह की महिलाओं द्वारा राजकीय इंटर कॉलेज में तिरंगा रैली निकाली गई। अमृत महोत्सव के तहत आज नगर पंचायत में तिरंगा यात्रा निकाला गया, जिसमें सभी नगरवासियों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया, जिसका उद्देश्य नगरवासियों में देश के प्रति आपसी भाईचारा, सौहार्द, प्रेम जागृत करना है। सभी नगरवासियों से अपील है कि सभी लोग अपने अपने घरों पर तिरंगा जरूर लगाएं। आज़ादी के अमृत महोत्सव के बीच सपा सांसद डॉक्टर शफीकुर रहमान बर्क ने केंद्र की भाजपा सरकार पर जोरदार हमला बोलते हुए कहा कि तिरंगा यात्रा उनकी 2024 के लोकसभा चुनाव की तैयारी है। वो देश के लोगों के हाथों में तिरंगा थमाकर रैलियां निकलवा रहे हैं, उनकी नीयत साफ नहीं है। इससे उनका मिशन अपनी पार्टी को फायदा पहुंचाना है और यहां तक झंडे का ताल्लुक है, झंडा हिंदुस्तान का है, उसकी
मुखालफत कौन कर सकता है। सवाल इसके मिशन का है, इसके पीछे क्या है, इसे अपने पार्टी को आगे बढ़ाना चाहते हैं, अपनी ताकत दिखाना चाहते हैं कि जनता आज उनके साथ है। डॉक्टर बर्क ने आगे कहा कि तिरंगे का इस्तेमाल सियासत के लिए नहीं करना चाहिए, हिंदुस्तान का सिर ऊंचा करने का काम तिरंगा है। आप नागपुर चले जाइए, वहाँ कहाँ झंडा लगाया जाता है, और आरएसएस के लोग उस वक्त कहाँ थे जब देश को आज़ाद कराने को लोग कुर्बानी दे रहे थे। हिंदू मुसलमानों ने मिलकर देश को आज़ाद कराया, और आदमी की वफादारी जो नापी जाएगी वो कुर्बानी से, ना कि तिरंगा झंडा लगाने से। श्रावस्ती में विकासखंड इकौना अंतर्गत स्थित उच्च प्राथमिक विद्यालय कौल अभारी मचीगवा में ऐतिहासिक श्रमिक चौपाल का आयोजन किया गया, जिसमें श्रमिक चौपाल के पूर्व मोटरसाइकिल तिरंगा रैली निकाली गई। वहीं श्रमिक चौपाल में पहुंचे जिलाधिकारी नेहा प्रकाश को श्रमिक ग्राम प्रधान और सद्भावना संस्था के अध्यक्ष एवं सदस्यों ने भगवान राम मंदिर डिजाइन स्मृति चिन्ह को भेंट कर सम्मानित किया। मूसलाधार बारिश के चलते स्कूल की बाउंड्री गिर गई। मलबे में कई लोगों के दबे होने की आशंका है। स्कूल की बाउंड्री गिरने से मलबे में दबकर एक महिला और एक बच्चे की मौत हो गई है। एक बच्चे गंभीर रूप से घायल है। पुलिस ने स्थानीय लोगों की मदद से 3 लोगों को अभी तक रेस्क्यू किया। स्थानीय लोग और पुलिस ने रेस्क्यू अभियान चला रखा है। बुलडोजर से मलबे को हटाने का काम जारी है। जिला अस्पताल में एक महिला और बच्चे को मृत घोषित किया गया। कानपुर देहात के अकबरपुर कस्बे की घटना। बुलंदशहर के थाना क्षेत्र कोतवाली क्षेत्र के पास साठा स्थित गडरियों वाली गली में रहने वाले एक बुजुर्ग महिला धनवती ने अपने पड़ोसी पर मारपीट करने का आरोप लगाया। बुजुर्ग महिला ने बुलंदशहर कोतवाली नगर के सामने रुक रुक कर प्रशासन और राहगीर से मदद की गुहार लगाई। बुजुर्ग महिला ने बताया कि मेरे पड़ोसी महेश के बच्चों ने मुझे और मेरे बच्चों को बिना किसी कारण के पटक पटक कर मारा है। पीड़ित बुजुर्ग महिला ने पुलिस पर भी आरोप लगाया है कि उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की है। बुलंदशहर में प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालय में पढ़ रहे बच्चों की शिक्षा के लिए विभिन्न प्रकार की व्यवस्थाओं को कराए जाने का प्रयास डीएम चंद्रप्रकाश सिंह द्वारा निरंतर किया जा रहा है। डीएम चंद्रप्रकाश सिंह ने पहल करते हुए आज़ादी के अमृत महोत्सव के अवसर पर ONGC के द्वारा जनपद के 16 विद्यालयों को गोद लिया। डीएम द्वारा गोद लिए जनपद के 16 विद्यालयों को स्मार्ट क्लासेस के रूप में विकसित किया जाएगा। बुलंदशहर में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक श्लोक कुमार सिंह के निर्देशन में 15 अगस्त 2022 स्वतंत्रता दिवस के दृष्टिगत संघ चेकिंग अभियान चलाया गया है। SSP श्लोक कुमार सिंह के निर्देशन में आगामी 15 अगस्त 2022 के दृष्टिगत समस्त क्षेत्राधिकारी थाना प्रभारियों द्वारा अपने अपने क्षेत्र में पड़ने वाले बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन, धर्मशाला, सराय, होटल, बाजार, सिनेमा हॉल, मॉल, मल्टीप्लेक्स, महत्वपूर्ण संस्थानों तथा भीड़भाड़ वाले स्थानों पर सघन चेकिंग चलाया जा रहा है। बुलंदशहर के थाना क्षेत्र खुर्जा में स्थित नगर पालिका के सभी ड्राइवरों ने 7 माह से वेतन न मिलने पर हड़ताल की। समय पर वेतन न मिलने से ड्राइवरों के परिवार भुखमरी की कगार पर हैं। खुर्जा नगर पालिका में तैनात सभी ड्राइवरों की हड़ताल जारी है। ड्राइवरों द्वारा हड़ताल करने पर नगर में कूड़ा करकट जमा है। नगर में कूड़ा करकट न उठाने से आमजन परेशान है। बुलंदशहर के थाना क्षेत्र अरनिया के NH91 पर इसनपुर के पास एक रोडवेज बस ने बाइक सवार 3 युवकों को रौंद दिया। 3 युवक कालीचरण, धर्मेंद्र और साहब सिंह की मौके पर ही मौत हो गई। मृतक युवकों के परिजनों में कोहराम मचा हुआ है। TSDC में मजदूरी करने के लिए तीनों युवक जा रहे थे। रोडवेज चालक मौके से फरार है। आगराबाद क्षेत्र के कोड़ियागंज कस्बे में घर में सो रहे युवक की संदिग्ध परिस्थिति में मौत हो गई। परिजनों ने हत्या की आशंका जताई है। सुबह संदिग्ध व्यक्तियों द्वारा सर पर हमला कर उसे लहूलुहान किया गया। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची है। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। इस पूरे मामले की छानबीन भी जुट गई है। और इसी के साथ फिलहाल खबरों में इतना ही। आप बने रहिए न्यूज़ वन इंडिया के साथ। 75वें स्वतंत्रता दिवस की सभी ग्रामवासियों व देशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं एवं बधाई। निवेदक रजत कुमार, ग्राम विकास अधिकारी रीता देवी, पत्नी मनोज कुमार सिंह, ग्राम प्रधान महरौली। 75वें स्वतंत्रता दिवस की सभी ग्रामवासियों व देशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं एवं बधाई। निवेदक सुधीर कुमार सिंह, ग्राम विकास अधिकारी सत्यपाल सिंह, ग्राम प्रधान सुखौरा विकास क्षेत्र समरेर बदायूं। 75वें स्वतंत्रता दिवस की सभी ग्रामवासियों व देशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं एवं बधाई। निवेदक मनोज दुबे, ग्राम विकास अधिकारी रमा देवी, पत्नी सत्यभान सिंह, ग्राम प्रधान टिकुलापुर विकास क्षेत्र समरेर बदायूं। 75वें स्वतंत्रता दिवस की सभी ग्रामवासियों व देशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं एवं बधाई। अखलाक अंसारी, ग्राम प्रधान हथनी बूढ़ विकास क्षेत्र समरेर बदायूं। 75वें स्वतंत्रता दिवस की सभी ग्रामवासियों व देशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं एवं बधाई। निवेदक रजत कुमार, ग्राम विकास अधिकारी।